भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इस दिन का इंतजार भक्त बेसब्री के साथ पूरे साल करते हैं। रथ यात्रा का आरंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 7 जुलाई से होगा, जिसमें भारी मात्रा में भक्तों का सैलाब शामिल होगा। कहा जाता है कि जो लोग इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही काम क्रोध लोभ से भी छुटकारा मिलता है। श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक ये भी है कि हर 12 साल में इस धाम की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। दरअसल इस अनुष्ठान को नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। नव कलेवर का अर्थ है नया शरीर। इस परंपरा के अंतर्गत श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित श्री जगन्नाथ बालभद्र सुभद्रा और सुदर्शन की प्रतिमा को बदला जाता है, जिसके पीछे का ये कारण है कि ये प्रतिमाएं लकड़ी से बनाई जाती हैं। वे खंडित न हो इस वजह से उन्हें बदला जाता है। आपको बता दें कि इस नवकलेवर परंपरा में मूर्तियां बदली जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पवित्र अनुष्ठान शुरू होता है उस दौरान पूरे शहर की लाइट को बंद करवा दिया जाता है, जिससे हर जगह अंधेरा हो जाए। ये परंपरा बहुत गुप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रक्रिया को करते समय किसी की नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसे बेहद गोपनीय रखा जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन जी की प्रतिमा को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके लिए मंदिर के मुख्य पुजारी पेड़ों का चुनाव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष नीम के और करीब 100 साल पुराने होने चाहिए, साथ ही उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। श्रद्धा MH1 परिवार इस साल भी प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि आप सबके घरों में खुशियां उत्सवों का माहौल रहे, साथ ही साथ प्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व का कल्याण करें। जय श्री जगन्नाथ।